भारत और चीन की सेनाओं के बीच 7 सितंबर को जिस रेजांगला दर्रे पर चीन की तरफ से गोलीबारी हुई, वो जगह भारतीय सेना के इतिहास का एक यादगार अध्याय रही है। साल 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, तो यहां मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने मोर्चे को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया था। 18 नवंबर 1963 की सुबह से 5 या करीब 6 बज रहे थे, जब लद्दाख की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। बर्फीली चादरों के बीच सूरज का कोई अता पता नहीं था। 1700 फीट की ऊंचाई पर चुशुल सेक्टर में तैनात 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के 120 जवान सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह अचानक रेजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं। अपनी तरफ बढ़ते आग के गोलों को देखकर मेजर शैतान सिंह ने सभी सिपाहियों को फायर करने का आदेश दे दिया। कुछ समय बीता तो पता चला कि जिन्हें वो आग के गोले समझ रहे थे, वो असल में यांग के गले में लटकती लालटेने थी, जिन्हें चीन ने एक चाल के तहत भेजी थी। इसी के साथ आस्काई चीन को लेकर चीन के करीब 400 सैनिक भारत की पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी इत्तला दी कि चीनियों ने हमला कर दिया है। मेजर ने सीनियर अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन अफसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाइए, अपने साथियों की जान बचाइए। लेकिन इसके लिए शैतान सिंह तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी उनकी फायरिंग रेंज में आए, उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। चीनी सेना पूरी तरह से आगे बढ़ रही थी। ठंड में लड़ने की उन्हें आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास 300 से 400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले ही थे। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में सिर्फ एक फायर ही कर पाती थी। चीन को इस बात की पूरी जानकारी थी, इसीलिए उसने टुकड़ी की गोलियां खत्म करने के लिए यह चाल चली थी। चीन के सैनिकों के आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सूबेदार रामचंद यादव बताते हैं कि जब चीनी सिपाही 300 गज की रेंज में आए, तो हमने उन पर फायर खोल दिया। करीब 10 मिनट तक भारी फायरिंग होती रही और चीन के 400 जवान मौके पर ही ढेर कर दिए गए और बाकी जो बचे वो भाग खड़े हुए। कुछ समय बीता ही था कि चीनियों का पहला गोला हमारे बंकर पर आ गिरा। मेजर शैतान सिंह ने फौरन फायरिंग रुकवा दी और 3 इंच मोर्टार चलाने वालों को कोडवर्ट में आदेश दिया, टारगेट तोता। हमारे मोर्टार के गोलों ने चीन के इस हमले को भी नाकाम कर दिया। जब चीनियों के सामने से किए गए हमले नाकामयाब हो गए, तो चीनी सैनिकों ने अपनी योजना बदल दी। सुबह 4:30 बजे उन्होंने सभी चौकियों पर एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए। 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर था। ज्यादातर जवान शहीद हो चुके थे, बुरी तरह घायल हो चुके थे, जमीन पर कराह रहे थे। मेजर शैतान सिंह भी उन्हीं में से एक थे जो खून से सने हुए मेजर शैतान सिंह को 2 घायल सैनिक एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। कराहते हुए मेजर शैतान सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। सिपाही मशीन गन लेकर आए और मेजर शैतान सिंह ने अपनी पैर में गन के ट्रिगर को रस्सी से बांधने के लिए सिपाहियों को कहा, क्योंकि उनके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी और सिपाहियों से कहा कि एक बार फिर सीनियर अफसरों से मदद मांगो, उनसे संपर्क करो। लेकिन जब तक मदद पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मेजर शैतान सिंह कई फुट मोटी बर्फ की मोटी चादर के नीचे गहरी नींद में सो चुके थे। करीब 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
रेजांगला में लड़ने वाली सी कंपनी का हर जवान हीरो था। अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार रामचंद यादव कहते हैं कि अगर ये चार्ली कंपनी शहीद नहीं हुई होती तो लेह, कारगिल, जम्मू कश्मीर सब खतरे में पड़ जाता। इसी ने रोका चीनियों को। जब उनका इतना ज्यादा नुकसान हो गया तो चीन ने खुद ब खुद युद्ध रोक दिया, युद्ध विराम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।